हाय दोस्तों, आज फिर से नई क्लास। थोड़ा लेट हो गया, आने में कोई दिक्कत नहीं। हाँ, तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं, नया टॉपिक अपना जो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट होने वाला है हमारे लिए, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन के बारे में पढ़ रहे हैं। किसके बारे में पढ़ रहे हैं? बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन, यानी हमारे जो एग्जामिनेशन बोर्ड आ रहे हैं ना, यूपी बोर्ड के एग्जाम आ रहे हैं, उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। यहाँ पर हमारा जो वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो क्या है, मेंडल के नियम, लॉ ऑफ मेंडल, मेंडल के नियम। मैंने किसी में इतना इंपोर्टेंट नहीं लिखा, लेकिन इसमें क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि हर बार एक नियम पूछा जाता है, और हर बार नियम पूछा जाता है तो क्यों ना नियम को ऐसे तैयार किया जाए कि यार चुटकियों में याद रहे, हमें चुटकियों में, हमें सिर्फ और सिर्फ मेंडल के नियम का नाम पता होना चाहिए, हमारा नियम खत्म। वही यही करना है हमें, बस नियम के बारे में। सर बहुत सी मेरी एडवाइस आती, सर हम रटते रटते पागल हो गए, कुछ ऐसा बताओ ताकि याद रहे। हाँ तो ऐसे ही बताएंगे, याद रहेगा, क्यों ना ऐसा क्वेश्चन का आंसर दे दिया जाए जैसा ही वो पूछ रहा है, उसका उसी में जवाब। उसने क्वेश्चन किया कि ये बताओ, और उसका जवाब उसी के जवाब में। वाओ सर, तो मजा आ जाए। तो पहला नियम हम पढ़ने वाले हैं, प्रभाविता का नियम। किसी ने हमसे पूछा, बोर्ड ऑफ एग्जामिनेशन यानी यूपी बोर्ड ने हमसे क्वेश्चन पूछा कि मेंडल के प्रभाविता के नियम की विवेचना कीजिए, वर्णन कीजिए, तो हमें कैसे करना है, चलो देखते हैं। वैसे काफी टाइम हो गया, लगभग 5-6 दिन से ज्यादा हो गए मैंने वीडियो नहीं अपलोड किए, उसके लिए सॉरी, पर लेट हो गया थोड़ा। तो हमें यहाँ पे क्या पढ़ना है, मेंडल के नियम, और मेंडल के नियम, मेंडल के नियम जिसमें पहला नियम, प्रथम नियम, प्रथम नियम के नाम से आ जाए, प्रभाविता के नियम के नाम से आ जाए, शुद्धता का नियम, इन तीनों में से कोई सा भी आ जाए, लॉ ऑफ कोडोमिनेंस आ जाए, प्रभाविता का नियम। अब देखो उसने पूछा क्या है, भाई ये बता मुझे कि इसमें जो प्रभाविता है उसका नियम क्या है, उसने यही तो पूछा, प्रभाविता का नियम बताओ। तो क्यों ना सर ऐसी हेडिंग हम बनाए ताकि इसमें ना फटाक से हमारा जवाब मिल जाए। क्या सर, क्या मिलेगा, आप तो बता दीजिए सर। हाँ मैं बताऊंगा तुम्हें इसका जवाब कैसे मिलेगा। तो देखो यहाँ पर प्रभाविता का नियम आज समझते हैं, हमने क्या पढ़ा था अभी तक, दो जनकों के मध्य क्रॉस कराए जाने पर आने वाली संतति में जो लक्षण दिखाई देते हैं वो क्या कहलाते हैं, क्या कहलाते हैं, एपन पीढ़ी, समझ गए। तो यहाँ पर हमें बस थोड़ा सा बदलाव करना है, मेरे दो प्यारे प्यारे नन्हे मुन्ने राजा योजो हनी सिंह, और ये हमारी प्यारी प्यारी गुड़िया उत्तरी, करेक्ट मार गए ना, तो नहीं, ऐसा है, मान के चलो ये आपका मेल है और ये आपका फीमेल है, क्या है ये, फीमेल। तो समझे जरा इसे ध्यान से, दो जनकों के मध्य क्रॉस कराए जाने पर आने वाली संतति में जो लक्षण प्रभावी होते हैं, प्रभाविता का नियम कहलाता है, प्रभावी लक्षण, पापा के प्रभावी लक्षण, यो यो हनी सिंह वाले, वायो वायो हनी सिंह, ऐसा है ना, हनी सिंह ने पहला एक ट्रेंड लाया था बाल खड़े करने वाला, तो वही ट्रेंड मैं चला रहा हूँ, बाल खड़े करने वाला, वही मेरे इतने रहोगे तो वो इसीलिए फेमस है, ठीक है। तो मैं तुम्हें बता दूं, यहाँ पर हमें दो जनकों के मध्य क्रॉस कराया, एक लड़की और लड़के के मध्य क्या कराया, समझ गए होंगे ना, और उससे जो संतति आई, उस संतति में जो लक्षण माता से मिलते हैं ये पापा से मिलते हैं, कहते है नहीं, ये देखो वाओ, ये तो उस पे गई है, ये तो अपनी दादी पे गई है, ये तो अपनी मम्मी पे गई है, ऐसे बोलते हैं ना। तो वही काम यहाँ पर पापा या मम्मी से मैच कर जाए तो वही प्रभावी लक्षण होंगे। लक्षण क्या, बोलने का ढंग, चलने का ढंग, बात करने का ढंग, स्किन ब्राइटनेस, आईज शैडोज, आपकी हेयर स्टाइल, आपकी मूवमेंट, आपके बोलने चालने का तरीका एकदम अदाए, वाओ सर क्या कर डाला, यानी इनमें से कोई भी लक्षण आप पर प्रभावी हो। यहाँ पर यही पूछा जाए, प्रभाविता, इसी किसी के ऊपर प्रभावी होना,
किसी के ऊपर प्रभावी, यानी कुफ पर आटे किया तो उसमें क्या हुआ, एक दूसरे के ऊपर प्रभावी हुआ, समझे ना। यानी हम प्रभावी अपने प्रभाव दिखाएंगे, तो समझो जरा ध्यान से, समझो जरा ध्यान से, दो जन्मों के मध्य क्रॉस कराए जाने पर आने वाली संतति में जो लक्षण प्रभावी होते हैं वो प्रभाविता का नियम कहलाता है खत्म, शुद्धता का नियम कहते हैं इसे, क्या कहते हैं, लॉ ऑफ कोडमिनेंसी। समझ में आया? हां सर आ गया। लेकिन पेपर में पूछेगा तू कैसे लिखना होगा, तो सिंपल है, अगर उसमें डेफिनेशन पूछी है तो दो जन्मों के मध्य क्रॉस कराए जाने पर आने वाली संतति में जो लक्षण प्रभावी होते हैं प्रभाविता का नियम कहलाता है खत्म। और यहाँ के इसके बाद अगर लॉ में पूछ लिया है, दीर्घ में पूछ लिया है, उसके लिए हम क्या करेंगे, क्रॉस, जो मैं शुरू से कराते आया हूँ, सम लंबा कैपिटल टी कैपिटल ई सम बड़ा स्मॉल टी क्रॉस कराएंगे कैपिटल टी कैपिटल डी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी कैपिटल टी स्मॉल टी सर यू का करा लो। ये क्या निकलाएंगे आपकी एपन पीढ़ी, ये सब बता चुका हूं पिछली वीडियो में, बस ध्यान देने की जरूरत है आपको। अब इनमें आपस में क्या कराएंगे, स्वपरागण, क्या कराया, स्वपरागण कैपिटल टी स्मॉल टी क्रॉस कराया, क्या आएगी संतति, इन दोनों के मध्य क्रॉस कराओ, जो संतति आएगी वो एफ टू पीढ़ी कराओ, ये मैंने कराया है पूरा करना, छोड़ मत देना, जहां तक जीनो टाइम निकले वहां तक नहीं छोड़ना है हमें से। बस इसका मैंने बस ये एग्जाम्पल दिया, और ये मैंने पिछली वीडियो में करके बताया है, आप वहां से देख के कलेक्ट कर सकते हैं, या फिर अपने इतना होशियार कर दिया है मैंने कि क्रॉस कैसे करते हैं, क्रॉस वाली वीडियो पीछे बन चुकी है, तो वहां पर इनका क्रॉस करा करके एफ वन पीढ़ी और इनमें आपस में करा करके एफ टू पीढ़ी, इनका नाम जीनोटाइप फिनोटाइप की वीडियो देख के जीनोटाइप फिनोटाइप लिख देना, और लिखने के बाद बस लिखना क्या, आंसर में क्या लिखना, सर सब लंबा कैपिटल डी तथा सब बोना स्मॉल टी के मध्य क्रॉस कराए जाने पर आने वाली संतति एफ वन पीढ़ी में सभी पौधे विषमयुग्मी लंबे होते हैं तथा उनमें स्वपरागण करा दिया जाए तो आने वाली संतति 50% लंबी तथा 50% बौनी प्राप्त होती है, जो कि प्रभाविता के नियम को दर्शाती है। माप यहाँ पे हमारे पप्पा लंबे हैं, मम्मा बौनी है, तो यहाँ पर सारी संतति लंबी लंबी आ गई है, लंबा 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 लंबा, तो ये क्या हो गया, लंबा प्रभावी, प्रभाविता का नियम लंबा नियम। अरे लंबे से और कुछ मत समझ जाना, लंबा ये वो लंबा नहीं है, ये सिर्फ हमारा पौधा लंबा है, पौधा लंबा है, पौधा लंबा, समझ गए। तो यहाँ पर पापा के लक्षण प्रभावी हुए, यानी ये लंबा था, ये बोरा था, इनमें क्रॉस कराया, आने वाली संतति सब पौधे लंबे हो गए, यानी माँ बोरी थी, पापा काले थे, बच्चे सारे के सारे काले हुए, यानी समझो यहाँ पर प्रभाविता का नियम क्या दर्शा रहा है, प्रभावी लक्षण को बाप से अपने पप्पा से कलर को मैच कर रहा है, प्रभावी हुआ ना, प्रभाविता का नियम कहलाएगा। ओके समझ में आ गया, तो यहाँ पर ठोक दो पूरे के पूरे, हमारे 10 में से 8 नंबर तो आने आने चाहिए, ज्यादा नहीं हो गया, कम कर दिए ना, ज्यादा आने चाहिए, 10 में से 12 आने चाहिए, यानी हमें क्योंकि पूरा नियम आता है सर, डेफिनेशन आती है, एग्जाम्पल आता है, उसकी थ्योरी लिखना आती है, थ्योरी तो मैंने बताया ना कैसे लिखते हैं, इन्हीं से लिखा जाता है, रटना नहीं, ये मेरा है कंसेप्ट, मैं ही रखूंगा और याद भी मैं कराऊंगा और लिखाऊंगा भी मैं, बस ये काम करना, किताब से रटना मत, बस समझ लेना, कहानी खत्म यूं होगी चुटकियों में। यहाँ पर मैंने आज प्रभाविता के नियम को खत्म किया, कल हम पढ़ेंगे दूसरे नियम को, कल की उस नियम की विवेचना कल करेंगे, क्या मुझे बताइए सब बच्चों को ये नियम याद हो गया, कहो हाँ, अगर हाँ तो यस का और बेल आइकन का थंबनेल क्लिक करके जाइएगा, और सब्सक्राइबर को बढ़ाइए, वॉच टाइम भी बढ़ना चाहिए, ताकि आपसे मैं फीस तो नहीं ले रहा, कम से कम इस वीडियो को तो कुछ शेयर कर दीजिए सर। ओके बाकी बातें करेंगे हम कल, मैं आपका जेपी आज से अलविदा ले रहे हैं।